हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट की जरूरत iOS यूजर और Android यूजर, एप्पल फोन चलाते हो या Android चलाते हो, डजंट मैटर, ये दोनों के लिए जो प्रोडक्ट है और काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजन से मंगवाया हुआ है। मैंने ये वाला रैपर निकाल दिया, मेन प्रोडक्ट मेरे हाथ में है और ये जो है फ्लैश ड्राइव है 64GB का। ठीक है, अगर आप आईफोन चलाते हो तो भी जरूरत का है, एंड्रॉइड चलाते हो तो भी जरूरत का है। ये जो है वैसा आपके लैपटॉप में काम कर जाएगा, ठीक है, आपके एंड्रॉइड फोन में काम कर जाएगा, आपके एप्पल फोन में काम कर जाएगा 64GB का। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वांटिटी है। तो कुछ इस टाइप का है, ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया फ्लैश ड्राइव, हाई स्पीड जो डाटा ट्रांसफर रेट है हाई स्पीड है, और ऊपर QR कोड है, क्या क्या चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं वो चीज़ मेंशन किया गया, म्यूजिक वीडियोज़ फोटो कॉन्टैक्ट वगैरह है इसके अंदर। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस वगैरह दिए गए हैं, फाइल के फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं, और यहाँ पर MRP दिया गया है 2245 का, बट ऐसा नहीं है, मेरे को 1500 के आसपास पड़ा है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओके, तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल ये खाली हो चुका है, चलिए साइड में से रख लेते हैं। और इसके अंदर ये आपको मेन कंटेंट, एक यहाँ पे यूजर मैनुअल, ठीक है, ये मिल जाता है। और उसके बाद आपको एक रिंग मिल जाता है जिसके अंदर आप इस फ्लैश ड्राइव को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये फ्लैश ड्राइव है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, चारों एंगल से आप देख सकते हैं इसे। देख लीजिए आप, ये हो गया आपका सी टाइप पोर्ट हो गया आपका। सी टाइप पोर्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, एप्पल वाले में आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। एप्पल वाला यहाँ पे दिया गया है, आई थिंक फोकस नहीं हो पा रहा है। ओके, आप देख लीजिएगा और इसे भी लॉक कर देते हैं। और इधर से इस पिन को आई थिंक LG 3500 बोला जाता है, कौन सा जो पहले चला करता था, अब तो आता नहीं। बाकी अगर पहले वाला भी अगर है उससे भी आप डाटा कॉपी कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ये लगी जाएगा। तो ये चार तरीके से आप इस डिवाइस को काम कर सकते हैं। कहने का मतलब इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स अभी हैं, जो भी पिन्स के हैं, वो सारे पिन्स में ये वाला जो है फ्लैश ड्राइव वर्क करने वाला है। और ये वाला रिंग है, आप इसे रिंग को लगा लीजिए, आप कैरी कर लीजिए, आप इसे एक तरह से की रिंग बना लीजिए या फिर जैसे आपको रखना है। तो कुछ इस टाइप से आपका की रिंग जो है आपके फ्लैश ड्राइव के साथ में आप इसे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक यूजर मैनुअल दिया गया है, साथ ही साथ ऊपर में यहाँ पे देख लीजिए QR कोड दिया गया है। अगर आपको इस फ्लैश ड्राइव को अगर आपको आईफोन के अंदर यूज करना है तो आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और वाई डिस एप्लीकेशन पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, आपको उसे इसे इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, एंड्रॉयड में यूज करने के लिए आपके कुछ भी नहीं करना है, बस आपका जो है USB वाला ऑप्शन जो आपका ऑन होना चाहिए। अगर आप कोई पेन ड्राइव वगैरह आप यूज़ करते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप लगाएंगे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मेरा यहाँ फ़ोन है, चलिए मैं इसे इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉपअप आ गया फाइल में ओपन करने का। तो चलिए देखिए, यहाँ फ्लैश ड्राइव आ चुका है जो कि देखिए 62.5GB है, ठीक है, 1.2MB जो भी चीज़ है यहाँ पर यूज्ड है। इस तरीके से आपका जो फ्लैश ड्राइव डायरेक्टली काम कर जाएगा, बट एप्पल में अगर आपको यूज़ करना है तो ये वाला वाई डिस्क आपको इंस्टॉल करना होगा। फिलहाल मैंने आईफोन के अंदर जो अभी इंस्टॉल नहीं किया है, देखिए फ़ोन भी बजने लगा है, तो इसके अंदर भी इंस्टॉल नहीं किया है, इसके अंदर मैं बाद में इंस्टॉल वगैरह करके लूँगा, यूज़ कर लूँगा, इसी के लिए मैंने मंगवाया हुआ है कि हो सकता है मेरे को कभी आईफोन से एंड्रॉयड में डाटा डालना पड़े, क्योंकि एडिटिंग वगैरह की बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड्रॉयड से मेरे को आईफोन में करना पड़े, तो कितनी बार मैं डाटा केबल वगैरह का यूज़ करूँगा, उससे बेस्ट है मेरे लिए ये वाला जो है फ्लैश ड्राइव मेरे लिए काम कर जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।